नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज सावन का पहला सोमवार है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की उपासना के लिए सोमवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है और सावन होने के कारण इस सोमवार का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। बरेली के प्रमुख शिव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें लगी हुई है। सुबह से ही भक्तगण अपने आराध्य भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और सुरक्षा बल के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर आपको बता दें कि प्रहलाद गढ़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में पिता और पुत्र की मौत हो गई। 30 वर्षीय पिता और 5 वर्षीय पुत्री का शव मिला है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर एक कमरे में पिता और पुत्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इंद्रापुरम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर पिता और पुत्री का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि पिता की उम्र 30 साल बताई जा रही थी और बेटी की उम्र 5 साल बताई जा रही थी। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो बड़ी जानकारी गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पिता और पुत्री का शव मिला है। प्रहलाद गढ़ी का ये पूरा मामला, जहां पर 30 वर्षीय पिता और 5 वर्षीय बेटी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने दोनों ही शवों का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र के क्योली खुर्द गांव के खेतों में पोल्ट्री फार्म संचालक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि कौशलेंद्र अपनी बहन के गांव में उनके खेतों के पोल्ट्री फार्म चलाया करता था और जब वारदात के समय में फार्म में सो रहा था और उसका बेटा भी फार्म पर मौजूद था। तो अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बहन के गांव में पोल्ट्री फार्म का काम किया करता था और फार्म चलाता था। इस दौरान किसी ने संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस वक्त ये इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उस वक्त पोल्ट्री फार्म संचालक का बेटा भी उसी फार्म में मौजूद था। वहीं फतेहपुर जिले में सड़क खराब होने से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर गड्ढे में भरे पानी में धान की रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक मुख्य मार्ग कई जिलों को जोड़ता है और करीब 10 सालों से उसकी स्थिति खस्ता हाल है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कई बार जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं की और हमारी मांग इस बार नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। वहीं ग्रामीणों ने विरोध करते हुए रोड में भरे पानी में धान की रोपाई करते हुए सांसद और विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और आगामी लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात कही। हम लोगों ने जो है दो दो बार सांसद भी दिया, विधायक भी दिया और इसके बाद भी रोड नहीं बनी। तो ये लोग तो फतेहपुर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, जो देहात में रहता है उसको कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए इस बार हम लोगों ने एक मीटिंग बनाया है कि रोड नहीं तो कौन,
आज आप लोगों ने धान लगाया रोड पे, रोड पे धान लगा के दिखा दिया कि भाई पत्रकार लोगों के माध्यम से जाए, ऊपर जाए, वो लोग देखे, वो तो यहाँ आते नहीं, विधायक बन गए, सांसद बन गए, अपना रहते हैं शहर में, बिहार का आदमी क्या करे। क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र शुक्ला। गाजियाबाद में सावन के पहले सोमवार को लेकर जस्सीपुरा में स्थित प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में भक्तों की काफी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखा गया और पहले के मुकाबले कांवड़ लेने वाले भक्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। मंदिर परिसर में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसकी वजह से पुलिस की टीम द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है। कांवड़ मार्ग से लेकर मंदिर तक की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के द्वारा गहनता के साथ निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। दूध है, जल है और नारियल है, केला है और ये खजूर के पत्ता है, पेड़ है, आपका है, गुलाब के फूल है। कितनी देर से खड़ा है आप लाइन में? साढ़े पाँच बजे से हम लोग लगे हुए हैं, 5 बजे से लगे हुए हैं लाइन में, लाइन में लगे हुए 5:30। मान्यता है बहुत है इस मंदिर की? बहुत ज्यादा मान्यता है, हम लोग कानपुर से भी यहाँ आ जाते हैं, पहले हम लोग जॉब करते थे यहाँ पे, कानपुर से यहाँ दर्शन करने भी आते हैं हम लोग, बहुत प्रसिद्ध है पूरे हमारे उत्तर प्रदेश भारत के अंदर, बहुत प्रसिद्ध है मंदिर भोले बाबा का, प्रसिद्ध है बाबा की यहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? हिमांशु। कितनी देर से आप खड़े हुए हैं पूजा करने के लिए? देर से आते हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं। मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? बाबा मनोकामना पूरी होती है। क्या क्या चढ़ाएंगे आज भोले बाबा को? जो जो उनके मनपसंद का होता है। देखिए आप जान रहे हैं सावन का प्रथम सोमवार है और अभी ये कह सकते हैं कि जो द्वितीय सोमवार होगा और उसके ठीक एक दिन पहले जो हमारी शिवरात्रि हो रही है, उसका आप एक तरीके से इसको ट्रायल रन समझ सकते हैं। जो आज भीड़ है श्रद्धालुओं की, वो अगले सोमवार और रविवार को शिवरात्रि और सावन के द्वितीय सोमवार को कई गुनी होने की संभावना है। तो व्यवस्थाएँ कुछ इस बार परिवर्तित की गई हैं, प्रयास ये है कि महिलाओं और पुरुषों की गर्भगृह में अलग अलग समय पर एंट्री हो ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। एक्स्ट्रा बैरिकेडिंग बनाई गई है और बैरिकेडिंग की 3 सेपरेट लेन्स बनाई गई हैं, महिला कमड़ियों के लिए अलग, पुरुष कमड़ियों के लिए अलग, और जो परिवार के साथ आ रहे हैं उनके लिए एक अलग कमरे की जाए। उसके अलावा जो गर्भगृह में जो जलाभिषेक हो रहा है उसके लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था अगले सैटरडे से हम स्टार्ट कर देंगे। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में कैंट थाना क्षेत्र के गोलघर में और अन्य रास्तों पर कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से आज क्षेत्राधिकारी कैंट ने दलबल के साथ शास्त्री चौराहे से रेलवे स्टेशन तक पैदल भ्रमण किया। इस दौरान आम लोगों से बात की गई और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में होने वाली भीड़ और कांवड़ यात्रा को देखते हुए क्षेत्र में दलबल के साथ पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेना जरूरी है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। इस मौके पर थाना प्रभारी कैंट सुधीर कुमार मिश्रा और चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। चूंकि रूटीन है हम लोगों का, शाम के समय प्रतिदिन सभी थाना क्षेत्रों में भ्रमण होता है, आज थाना कैंट क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर भ्रमण किया गया है, पूरा फोर्स हमारे साथ में था। आज चूंकि अब कल पहला सोमवार है सावन का, तो उसको लेकर भी जो मंदिर रास्ते में थे उनको भी भ्रमण किया गया, वहां जानकारी की गई कि कितने लोग आते हैं यहां पर जलाभिषेक करने के लिए, कितने बजे से आएंगे, लगभग कितनी भीड़ रहेगी, उस हिसाब से वहां पर ड्यूटी लगाई जाएगी। मुहर्रम चूंकि अभी थोड़ा आगे है, उसको लेकर एक पीस कमेटी की मीटिंग भी आयोजित की जा रही है सभी थानों पर, उसके संबंध में भी लोगों से वार्ता की जा रही है, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, पूर्व कोई विवाद तो नहीं है, अभी कोई समस्या तो नहीं है, अगर किसी भी तरीके कोई दिक्कत हो तो वो हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ सभी थाना क्षेत्रों में 2-2 क्यूआरटी बनाई गई हैं, जिसमें कि 1 उपनिरीक्षक और 3 सिपाही हैं, वो क्यूआरटी लगातार गश्त करती रहती है,
जिससे कि जो रास्ते में कांवड़ लेके जा रहे हैं जो भी, उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आने पाए। सभी थाना क्षेत्रों में इस तरीके की प्रक्रिया लागू है। वहीं 4 जुलाई से शुरू हुए सावन के पावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर ट्रांसपोर्ट नगर स्थित श्री बाबा मुक्तेश्वरनाथ सिद्धपीठ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस बार का सावन महीना भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि 15 दिन के सावन के बाद अधिक मास लग जाएगा और उसके बाद फिर 15 दिनों के लिए सावन का महीना शुरू होगा। सावन महीने में ही अधिक मास पड़ने से लगभग 2 महीने तक भगवान भोलेनाथ को मनाने का मौका है और इस महीने में पूजा करने से मन मानसिकता फुल प्राप्त होता है और साथ ही साथ सच्चे मन से की गई पूजा भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं और भक्तों को मन मानसिकता फल आशीर्वाद मिलता है। सावन का आज पहला सोमवार है और जिसकी धूम मंदिरों में देखने को मिल रही है। बता दें कि सुबह सवेरे से ही लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। बता दें कि इस बार 2 महीने तक सावन चलने वाला है। मंदिर खास क्या, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। हम लोग बचपन से यहाँ बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हुए आ रहे हैं, दर्शन करते हुए आ रहे हैं और सावन के महीने में तो जरूर आते हैं। सोमवार का दिन आज भगवान भोलेनाथ का दर्शन मिला, इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। भगवान दूल बेलपत्र दही शहर सब कुछ जो इत्र है पंचमेवा सारी चीजें। मुक्तेश्वरनाथ बाबा की मंदिर है और बहुत जागता हुआ मंदिर। मंदिर की व्यवस्था तो सबसे अच्छी है और ये सावन का पहला सोमवार है और इस बार बहुत ही सौभाग्य कि इस बार अधिक मास और सावन दोनों एक साथ पड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा हम लोग दर्शन जी। हर बार तो फलदायी महीना होता है ये सावन का हर महीना, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा फलदायी महीना है। मतलब 2 मलमास भी है, अधिक मास है और सावन भी है, इस वजह से बोले कृपा। हाँ, वो बचपन से हम लोग आ रहे हैं। हाँ, ये तो बचपन से आ रहे हैं, इनका यहीं पे इसकी बहुत मान्यता है। भगवान की भोलेनाथ की कृपा बहुत है और बहुत बहुत जागता मंदिर है ये। जिलाधिकारी झांसी रविन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस ने पुलिस फायर स्टेशन का निरीक्षण किया। तैनात फायर और फायरिंग टीम की उपस्थिति में जांच की गई। उपलब्ध फायर ब्रिगेड, फायर एक्टिव सूट और ब्रीदिंग एपेरेटस, फायर फिटिंग की क्रियाशीलता और इन सब चीजों को जांचा। आग लगने की घटना होने पर तत्काल पहुंचने और फायर फाइटर्स को प्रशिक्षित किए जाने, भवनों द्वारा फायर सेफ्टी के नियमों का अनुपालन किए जाने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो फायरिंग टीम की उपस्थिति में जायजा लिया गया जहां पर आपको बता दें कि झांसी के जिलाधिकारी फायरिंग स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ घटना होने पर तत्काल पहुंचने के निर्देश भी दिए गए। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है जहां पर लंबे समय से बीमारी से जूझ रही वृद्ध महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अपनी वृद्ध मां को फंदे पर देख परिजनों में मातम छा गया। बता दें कि मोहल्ला पर वारीपुरा निवासी भवानी बाई पत्नी नारायण, जिसकी उम्र 65 साल बताई जा रही, काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और पिछली रात ही परिजनों के साथ खाना खाया फिर सोने चली गई। सुबह जब उठे तो अपनी मां को फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र निगासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुआ पर मिर्जागंज को जाने वाली रोड बनाने का काम किया जा रहा है। रोड अभी भी बनकर तैयार नहीं हो पाई है, रोड उखड़ने लगी, बजरी अभी भी निकलने लगी है और मानक के अनुसार रोड बनाई जाती तो अभी से समस्या नहीं आती। अब सोचने वाली बात यह है कि जब अभी से रोड उखड़ गई है तो आगे यह रोड कितने दिन तक चलेगी। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ठेकेदार और जेई ने जमकर धान की उगाही की है और ठेकेदारों के माध्यम से ये काम चलता तो उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कभी साकार नहीं हो पाएंगे। ये खबर मथुरा से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे पर ऑटो सवार युवती के साथ बाइक सवार दो बदमाशों ने पर्स लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट के दौरान ऑटो से गिरने पर युवती बुरी तरह से घायल हो गई और वहीं बताया जा रहा है कि घायल पीड़िता महिला प्रकोष्ठ की पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस नेता लता चौहान की बेटी है, जो किसी कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देकर वापस लौट रही थी और वहां आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवती को सिटी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर थाना हाईवे पुलिस और एसपी शैलेश पांडे भी अस्पताल पहुंचे और उन्हें घटना को अंजाम देने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया। थाना हाईवे क्षेत्र में नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पे एक ऑटो रिक्शा से लोग ट्रैवल कर रहे थे, इसमें एक युवती भी थी जिनका पर्स जो है दो युवक मोटरसाइकिल पे सवार थे, साइड में पर्स लटका हुआ था, उसको उन्होंने स्नैच किया। स्नैच करने के दौरान जो युवती वो भी ऑटो से गिर गई और इंजर्ड हुई, उनका इलाज यहाँ पास में एक निजी अस्पताल में चल रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी उन क्रिमिनल्स की पहचान करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो युवती हैं उनका इलाज प्रॉपर तरीके से चल रहा है, सभी लोग इलाज को मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी कंडीशन में सुधार होगा और हम लोग जल्द ही मुलजिम को आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करेंगे। के पहले सोमवार को शिवालय में भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। बता दें कि फतेहपुर जनपद के विकासखंड अमौली क्षेत्र में बने अग्लेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है वह भक्त मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए कुछ न कुछ सहयोग करते रहते हैं। हम ग्राम अरगल के रहने वाले हैं और ये मंदिर जो है इसका नाम अरगलेश्वर है, इसके नाम के द्वारा ही हमारे गांव का नाम हुआ और इसके बारे में एक्चुअल तो कोई नहीं बता सकता ये कब का बना हुआ है, मगर हाँ एक जीर्णोद्धार हुआ था स्वामी जी वगैरह निकले तो इसमें सन 500 ईस्वी लिखा हुआ जब इसका जीर्णोद्धार हुआ, इसके बाद दोबारा जीर्णोद्धार मतलब स्वामी जी के कर का मतलब दोबारा इस गेट में लिखा, किसने बनवाया ये किसी को नहीं मालूम। हाँ एक बात जरूर है कि खजुआ के बनियों का बनाया ये बात हम जानते हैं और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसकी अद्भुत कहानी है
जो इससे प्रेम करता है उसका हर काम अपने आप का। हाँ सर, इस सावन के महीने में हम रोज आते हैं, सोमवार के दिन सुबह में आते हैं। भोले बाबा की कृपा से, उनकी दया से सबका कल्याण होता है। मेरा नाम ममता देवी है, मैं इसी गाँव वाली हूँ। तो यहाँ क्या मन भक्तों की मुरादें पूरी होती है? बिल्कुल होती है, सबकी भक्तों की मुरादें पूरी होती है। अच्छा, ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? हम लोगों को कोई पता नहीं है कितने पुराने हैं, ये अंग्रेजों के जमाने का है। तो भैया बहुत पवित्र महीना है और भगवान शिव जी और माता पार्वती यानी महामाया और परमात्मा, इनको जो कोई जैसा विश्वास करता है और विश्वास के ही हिसाब से भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर ना मनोकामना पूरी हो तो लोगों की आस्था कैसे बने, आना जाना कैसे हो? तो ये पता चलता है कि वास्तव में जो कोई जैसा कुछ मानता है और विश्वास करता है तो ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर में स्थापित मूर्ति में छरण आ गया है, यानी वो झर रही है। हाँ, इसका क्या कारण? इसका कारण ये भाई साहब कि लोग मानते नहीं है, शरबत बना के डालते हैं, बतासा चढ़ा कर उसमें पानी डाल देते हैं और ये सार्वजनिक जगह है तो हम लोग अगर ज्यादा कुछ कहते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता। अब ये शायद अगर वो इससे हो ना कि पुलिस प्रशासन या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बंधन हो तो लोग मान सकते हैं। अब खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि बीती रात की घटना है जहां पर एक पड़ोसी दबंग ने व्यापारी अरविंद वर्मा की गोली मार कर उसे घायल कर दिया। अरविंद वर्मा ने पड़ोसी पर गोली मारने का आरोप लगाया है। गोली लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं सूचना मिलते ही आला अधिकारी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को गोला सीएचसी में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखकर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। और कोई भी हमारी दुश्मनी नहीं थी, जिसने गोली मारी है हमारी कोई भी उनसे दुश्मनी नहीं थी और आगे जा गए थे आज गेट में बस का टाइम पता करना। वो कुश्ती तिवारी अपनी संस्था तिवारी ने जाके इनकी गोली मार दी। हम लोग कुछ नहीं, दो महीने पहले उसने एक बार धमकी दारू पी के कहा था कि हम उसको गोली मारेंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा ये दारू पी के बोलना है तो उस पर हमने ध्यान नहीं दिया और आज जाके उसने इनकी गोली मार दी है। अब इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, हम आपका कानून का ही सहारा ले रहे हैं बस। कोई पुरानी रंजिश कोई भी मेरे किसी मोहल्ले में किसी से भी कोई रंजिश नहीं, पूरे गोले में आप पता कर लीजिए किसी से कोई रंजिश नहीं थी हमारी। भैया अवनीश तिवारी रुचि तिवारी सुपुत्र श्री राधेशान तिवारी ने, हम तीन लोग दोस्त लोग खड़े बतलाए दे रहे हैं गोरा, उसने आके चुप्पे से तमंचा निकाल के मेरी गोली मारी और हमारा उससे कोई बात बात कभी नहीं हुआ, हालांकि वो हमारे साथ थोड़ा है, पता नहीं किस रंजिश से हमारा कोई उससे वारदात कभी नहीं हुआ, उसी ने मेरी गोली मार दी। उसका भैया बंदूकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।